सो या गाइस, वी आर लीविंग फॉर कसोल। देख सकते हो ठंड कितनी है, नोज भी रेड हो चुकी है, अभी माइनस में टेम्परेचर -2 है। सो या इट्स 9 इन द नाइट एंड वी आर लीविंग फॉर कसोल। लेट्स सी, अभी अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो हम यहीं पे थे कैफे 1947 में, यहाँ पे थे। या बट डू नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट सेट फॉर कसोल। सो गाइस, राइट नाउ इट्स 12 इन द नाइट और हम डिनर के लिए रुके हैं फिर से एक बार, और आप देख सकते हैं गड्डी दहाल, पूरी मिट्टी टकरा के पूरी गड्डी दहाल ख़राब कर देता है। एंड वी आर हेयर इन कुल्लू मनाली हाईवे, यू कैन सी लाइट जल रही है, हाँ कुल्लू मनाली हाईवे। एंड वी आर 43 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कसोल राइट नाउ। सो लग रहा है यहाँ से 1 और 1.5 आवर लगेगा कसोल के लिए, तब तक कुछ खा लिया जाए। तो यार फूड हैज अराइव्ड एंड वी आर हैविंग हियर जीरा राइस एंड व्हाट्स दैट मलाई कोफ्ता, कांडे की है राजमा चावल, मैं कुछ ऑर्डर नहीं किया, यही बंदियाँ ने ऑर्डर किया। सो वी हैव राजमा चावल, मलाई कोफ्ता एंड जीरा राइस। This is all for the night. आपका खाने हैं और फिर निकल जाने हैं, फिर मिलने हैं। लेट्स गो, थक भी गए हैं यार, लॉन्ग वैली गए थी पिछले बार भी देखे होना, तो आप थक गए हैं। और कोई नहीं, चल रहा है ट्रिप तो, मज़े ले रहे हैं, अभी भी लो वीडियो एक और। वापस एक बार फिर एनर्जी आते हुए और हम वापस रास्ते पे निकलते हुए। सो या इट फील्स गुड आफ्टर ईटिंग सम गुड फूड, बहुत चंगे थी चावल थे, राजमा चावल एज यू नो फेमस है ऑलवेज, एंड साथ में मलाई कोफ्ता मंगा लिया था फॉर अ चेंज यू नो। सो ऑल टुगेदर इट्स ऑल गुड। और यहाँ से और 43 किलोमीटर्स आई गेस रह गया है कसोल। राइट नाउ वी आर इन कुल्लू, सो लेट्स गेट इट ऑन। सो या गाइस, एट लास्ट 2 in the night वी हैव रीच्ड कसोल एंड वी हैव गॉट आवर होटल। होटल नहीं मिल रहा था और हमने बुक भी नहीं किया था, तभी मिल गया हमें, ठीक ही ठाक रूम है। सो वी विल मैनेज हियर, वॉशरूम सर देयर, अभी देखा भी नहीं है कि लाइट्स कहाँ है, एक बार तभी दिखा देता हूँ पता चलेगा। तो लाइट्स है, दिस इज द चेंजिंग एरिया है, दिस इज द वॉशरूम, होप यू कैन सी। आई कांट फाइंड अ स्विच राइट नाउ, आई गेस टू फाइंड इट, दिस इज द वॉशरूम। सो एवरीथिंग इज ओके ओके एंड वी हैव टू मैनेज दैट। और सबसे अच्छी बात है कि अपने रूम से अपनी व्हीकल भी दिख रही है, ऑल दो उसे बाहर ही पार्क करना पड़ा, पार्किंग नहीं मिली, बट दिस इज होटल होटल ग्रीन वैली। सो आई हैव सेड ऑल टुगेदर इट्स ओके ओके और आप मेरे फेस से देख के समझ ही रहे हैं कि कितना थक चुका हूँ, कितनी नींद आ रही है। तो सोते हैं और सवेरे दर्शन कर देंगे मणिकरण साहब का, तुम बखाने कसौल के दर, तब तक के लिए गुड नाइट। सो या गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसोल, वी आर ऑल सेट टू लीव टू एक्सप्लोर, देख रहे हैं कि मिलता है कि नहीं। पहले आप गुरुद्वारा साहब जाओगे मणिकरण साहब, उस तो पहले तुम व्यू खाना बार दा, क्या मस्ती व्यू है थले, थोड़ी साड़ी सवारी साड़ी तनो थार, एंड लुक एट द अमेजिंग व्यू फ्रॉम माय बालकनी।
ओपिनियन मैं ही देख पा रहा हूँ, कैमरा डिस्कस कर रहे हैं। ओ दूर देखो बर्फ जमी है, ये क्या मस्त, क्या मस्ती व्यू है यार। आप आई मस्त व्यू में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं यार, पहले गुरुद्वारा साहब जाने हैं। अभी तक कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, पहले ब्रेकफास्ट करूँगे, फिर देखते की होता है, तुम बफाते भी जाऊँगे। गड्डी बहुत गंदी हो गई है, पर इतने कुछ वॉशिंग बे भी नहीं मिल रहा है। कल मनाली चेक में देखा भी थी वॉशिंग बे है, बट वो कुछ ज़्यादा ही बिजी था। सीज़न में आने से एक यही प्रॉब्लम होती है टूरिस्ट प्लेसेस में। सो अगर आप एक्सप्लोर करने आ रहे हो तो मेरा सजेशन है कि आप सीज़न में तो मत आए। सो या गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन। और अभी मैं हूँ मणिकरण साहिब गुरुद्वारा में, इनका सोल रेजिडेंसी डाउन देयर मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। और इसका मैंने अभी एक सेपरेट ब्लॉग बनाया है, मतलब एक सेपरेट वीडियो अभी बनाई है, ब्लॉग तो छोड़ा नहीं है। तो ब्लॉग मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, अगर आपको मणिकरण साहब का ब्लॉग देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। सो मणिकरण साहब का सेपरेट ब्लॉग आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल में, मैंने भी डाला नहीं, डाल दूंगा। सो लेट्स गो देन, देयर्स माय थार, इतने खड़ी है ये। So we are not just done with the photo shoot. Look at the view, man. पहले नदी बह रही है, and these mountains, this breeze is so mesmerizing. Market जाना है but यहीं पर इतना time हो गया है, but let's go. So right now I'm here in Kasol Market. मुझे पता ही नहीं था, रात में पता ही नहीं चला कि मेरे जस्ट होटल के कुछ ही मतलब बस वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो वॉकिंग डिस्टेंस में कुछ तो ये मार्केट है, मतलब यहाँ के मतलब ट्रेडिशनल क्लोथ्स की, यू नो लाइक दिस। उसके बाद यहाँ के वुलन ड्रेसेस हैं लाइक दिस एंड ऑल। सो मुझे अपने लिए तो कुछ पसंद नहीं आया, घर के लिए कुछ ले रहा हूँ लाइक दिस पर्स एंड ऑल, फैनी बैग। ये क्या ट्रेडिशनल है यहाँ का? हाँ, ये है प्लेन ना, ये तो मेरा लिए बता रहा है। और इसके साथ ये भी है क्या? नहीं नहीं, ये अलग चीज़ है, उसके ऊपर तो कॉम्बिनेशन लगेगा ना। ये अलग ही है ना, ये बना रहे हैं अभी तो पेंट हो या फिर पंचो बनते, वो देखो ऐसे हमने टंग रहा, ऐसा बन रहा है ये मुझे आएगा नहीं, ये तो दिखा रहा हूँ साइज आपको एल लगेगा, इससे बड़ा लगेगा ना। हाँ नहीं, ये ठीक है साइज, ये नेवी ब्लू है, ब्लैक है। ये भी ट्राई करके देखे क्या? ये ब्लैक है, मेरे पगड़ी में घुसेगा? पगड़ी तो खोलेगा नहीं। हाँ ये तो घुस जाएगा, घुस जाएगा, नहीं नहीं घुस जाएगा, ये तो घुस जाएगा, ये तो नहीं आएगा, ये तो छोटा है, ये है ब्लैक। मेरा साइज से दिए ना, इसका साइज से एक्सेल, ये वाला दोनों को साइड रखिए, इसको लेना है। ये डन हो गया है, एल एल ए आएगा, पर ये इसमें वो नहीं है गला, इसका जो नेक जो था ना, सुनना सेट जाके तुम, हाँ देख ले देख ले। कर कलर कौन सा, ब्लैक की चाहिए? वो भी अच्छा कलर लग रहा है, सब कुछ देख ले।
वो तो भी अलग चीज है। तो गाइस अभी ट्रेडिशनल ड्रेस रिसर्च हो रही है, कमेंट से बताइए कैसा लगेगा ये। बस कर दिया है। मेरा मेरा ये कितने का भैया? सो गाइस 350 कमेंट से बताएं कैसे लग रहा है ट्रेडिशनल ड्रेस। इसे क्या बोला जाता है यहाँ पे, क्या बोला जाता है इसे? कुर्ता। कुर्ता ही है नॉर्मल। टी शर्ट। टी शर्ट यहाँ का टी शर्ट है ये। खुद बनाते हैं ना इधर भी? खुद बनाते हैं ना वहीं पे। कैसे ये वाला? इसमें ये लगाने को है ना, यहाँ दिया हुआ। कैसे लगाते हैं इसको? ये बाहर अंदर से लगते हैं। अच्छा ये ऐसे लगते हैं। सो गाइस आई एम हियर इन वाइन शॉप, अपने लिए नहीं बट फॉर द रिलेटिव, सो अपने भी टेस्ट कर लूँगा। वैसे भी वाइन ख़राब नहीं होती है। सो हियर आई एम टेकिंग दिस, ये रेड वाइन है ना जी भाई, ये थोड़ी कड़वी है। क्या चीज़ की बनी है? ग्रेप की। ग्रेप की है। एंड ये हर्ष है, जैसे हमारे होटल के साइड में थे, रात को पता नहीं चला बट अभी देखा तो सोचा ले लेते हैं। एंड सम पिकल्स टू। सो पिकल्स, ये आपको ये लिंगर बोलते हैं भाई, दिस ग्रोज इन द फॉरेस्ट, वाइल्ड प्लांट होता है, उसकी लिंग उसकी बनती है पिकल। बट आई डोंट, ये उतनी मिर्ची नहीं होती है, सो आई डोंट थिंक यू माइट लाइक इट और नॉट। चटपट होती है, कैसे चटपट हो क्या मतलब, ऐसे ही एक मतलब मूड स्विंग करता है तो उसके लिए के लिए। हाँ बट ऐसे मतलब जो प्रॉपर पिकल खाते हैं उनके लिए नहीं, नहीं उनके लिए नहीं है बिल्कुल। हमारे पास एप्पल पिकल भी थी पर वो खत्म हो गई अभी। एप्पल सीडर विनेगर भी है क्या आपके पास? हाँ विनेगर भी है। रेड ग्रेप वाइन। वैसे रेड वाइन तो मैंने पहले ही पी है, लेट्स सी हाउ इट इज। ये सब यहाँ पे हिमाचल में मैन्युफैक्चर होती है। एंड अनदर थिंग इज, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये यहाँ का हिमाचल का ट्रेडिशनल टी शर्ट और बॉडी वेन से आउटफिट कैसा लग रहा है। मज़ा आता कभी कोई जगह में जाके वहाँ का ट्रेडिशनल आउटफिट ट्राई करने से। वॉट इट Yeah, cool. देख सकते हैं आप पैकिंग शैकिंग चालू हो गई है, बिकॉज वी आर लीविंग फॉर दिल्ली राइट नाउ। एंड राइट नाउ इट्स 4:30 इन द इवनिंग। एंड जाने का मन तो नहीं कर रहा यार, बट क्या करें, जाना पड़ेगा। एंड आई विल मिस दिस व्यू, दिस वादियाँ These few days are so good. आप भी कभी टाइम निकाल के कुछ टाइम निकालिए अपने लिए एंड गिफ्ट योर सेल्फ समथिंग लाइक दिस। अंधेरा होने से पहले निकलते हैं, वी विल बी गोइंग बाई दिस रूट। आज हम इसी रूट से आए थे एंड अपनी गड्डी खड़ी है पहले, गंदी हो गई होता हूँ। सो यहाँ गए थे, आई एम बैक इन सेम ओल्ड अटायर and we are all set to leave for Delhi. And this is the owner of this hotel. We are staying in Hotel Green Valley. So they have a very pleasant staff. और हम रात को बहुत ही लेट आए थे बट उन्होंने सपोर्ट किया और हमें रूम दिया, सो थैंक यू फॉर दैट सर। इट वॉज अ नाइस स्टे है। और इनका एक और एक कह रहे रिजॉर्ट बन रहा है माउंटेन्स में, सो नेक्स्ट टाइम हम जब आएँगे इनके यहाँ ही आएँगे ग्रुप के साथ। अभी भी ग्रुप के साथ ही थे, नेक्स्ट टाइम और बड़े ग्रुप के साथ आएंगे। सो क्या नाम होगा आपका सर? हमारा अभी उसका नाम नहीं रखा है बट आपका नाम? अनिक। इनका नाम हुआ अनिक। सब जब भी है अनिक जी के पास आए, दे आर वेरी गुड एंड प्रेजेंट स्टाफ हियर। सो गाइस राइट नाउ वी आर हियर इन कसोल आल्सो, बट भूख लग गई है ये मोमोज चल रहा है। मोमोज खाओ भाजी।
तो ईट इट गरम गरम मोमोज यह चिकन मोमोज है चिकन मोमोज एंड इट्स डिलीशियस सो वी आर हेयर रोमिंग इन कसोल और हमें मतलब वाटर चाहिए थी और भी दूसरा चाहिए था बट यहाँ पे गूगल पे ही नहीं चलता है बोलते नो गूगल पे आपको कैश देना पड़ेगा प्लीज मोदी कम ओवर यार मोदी कम ओवर यार प्लीज देम गूगल पे सो बहुत बुरा हाल है भाई ये कौन से ब्रिज पे रुक गए हम लोग कसोल मार्केट में है एग्जैक्टली अभी कसोल मार्केट में और यहाँ पे गूगल पे कोई नहीं ले रहा है सब बोल रहा कैश चाहिए कैश का तो पहले कर ATM भी तो नहीं दिख रहा है कभी भी आए हिमाचल पूरे गड्डी भर भर के लाए गाड़ी यू नो गाड़ी जैसे रेडी बोलते गाड़ी लेके आया पॉकेट में तभी आपका काम बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा रिफ्यूलिंग इन मंडी सो अभी तक हम हिमाचल प्रदेश में ही हैं एंड वी आर इन द माउंटेन्स बेबी सो चल रही है रिफ्यूल करा लिया है फुल टैंक हो गया है सो गाइस राइट नो आई एम अड्डे बापू की डिमांड थी कि इतने ग्रीन एप्पल चाहिए आ गया सो वी आर हैविंग भाई ग्रीन एप्पल तो वी आर हैविंग दिस ग्रीन एप्पल तो ये कहाँ से आप लेके आए किन्नौर किन्नौर से लेके आए ये ग्रीन एप्पल सो अभी हम कुल्लू में हैं मतलब भुंटर में है क्या हाँ भुंटर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है जी भुंटर में है डिस्ट्रिक्ट हमारी कुल्लू है बट अभी हम भुंटर में हैं और ये पूरी फ्रूट मार्केट है भैया की सो अभी हम ग्रीन एप्पल ले रहे हैं सो यू कैन सी लुक एट द साइज ऑफ दिस ग्रीन एप्पल एंड द शाइन ऑफ इट एक किन्नौर से आते हैं किन्नौर कहाँ पड़ता है जम्मू में नहीं जी किन्नौर हिमाचल में पड़ा जी शिमला से लास्ट मिले किन्नौर शिमला से ये है ग्रीन एप्पल तो आई एम टेकिंग दिस साडा पैक हो गया है बापू जी डिमांड ओके बापू जी खुश होन सो पैक कर दीजिए इसको पैक हो ही गया है सो आफ्टर रिफ्यूलिंग वी आर स्टॉप्ड एट फैमिली रेस्टोरेंट नाम है इसका ढाबे का नाम है फैमिली रेस्टोरेंट इसी कैसी सी अब सही है और अब मेरे पर फोकस लेते हैं हाँ सो अभी मैं अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ सो ऑडियो के लिए बेयर यूनिट क्योंकि मेरे कैमरा की बैटरी ख़त्म हो गई है सो इट्स 9 इन द नाइट एंड वी आर स्टॉप्ड हियर फॉर डिनर और सम गुड फूड लाइक दैट यू नो अभी आगे जाके भी तो हम खाएँगे क्योंकि रात भर सफ़र है सो वी आर स्टॉप्ड हियर फॉर फूड बिकॉज भूख लग गई है एंड वी आर इन समवेयर माउंटेन्स कुल्लू में ही है जैसे आपको मैंने फ्यूल स्टेशन बताया था फ्यूल स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर ही है तो हम आगे आके यहाँ पर रुक गए हैं सो अंदर चलते हैं ऑर्डर्ड हेयर पनीर बटर मसाला ते तंदूरी बटर रोटी एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव आफ्टर दिस ये एक जस्ट हॉल्ट है उसके बाद फिर और भी रुकेंगे बिकॉज वी आर इन द माउंटेन्स बेबी सो आई हैव ईटन 3 रोटीज विद दिस पनीर बटर मसाला एंड आई हैव ऑर्डर इट अगेन बिकॉज इट इज़ ऑसम तो अब जब भी हैं कुल्लू आने से जस्ट थोड़ी देर पहले ही अप्रॉक्स कुल्लू में ही ये रेस्टोरेंट पड़ता है फैमिली रेस्टोरेंट दैट्स अमेजिंग सो या गाइस एट लास्ट 12 इन द नून I am in Delhi at my cousin's home. We will be staying here for today, I guess. Today or tomorrow. देखते हैं जैसा होता है.
और आप गाड़ी कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदी। देखते हैं यहाँ कोई वॉशिंग में मिलता है तो वॉश कराते हैं, बट बिफोर दैट थोड़ा आराम करते हैं एंड ब्लॉग भी यही एंड करते हैं। तो या गाइस, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस, थैंक यू, थक गए हैं। थक गया।